नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस विल बी जॉइंट फॉर विद मदर वर्ल्ड वाइल पेरिस योर ऑल एक्सिस सॉल्यूशन। जैसे कि आपको पता ही है कि गेट की आंसर की आ चुकी है ऑफिशियली, सभी लोगों ने उसके डिटेल आंसर भी बता दिए हैं। पर मैं एक बात पे भरोसा करती हूँ, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, तो बेवजह उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उस पर लगे रहना गलत है। वैसे गेट का एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं, तो मुझे उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इतना तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया है कि अब से गेट का एग्ज़ाम हमेशा देना है, क्योंकि वहाँ पे MCQ ही एक ऐसा थोड़ा सा होता है, डेंजर होता है, बाकी सब MSQ और NTA काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है, एक सेकेंड, अब हमारे बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। तो गेट का जो सबसे अच्छा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अगर आपने फिज़िकल बहुत अच्छा कर लिया है, जो मैं कर रही हूँ, तो आपको बहुत आसानी से वहाँ पे स्कोर करने को मिल जाता है। क्योंकि मेरा हमेशा से एम रहा है कि मुझे एप्टीट्यूड करना है, कैसे भी करके अपना इनऑर्गेनिक और फिज़िकल पूरा करना है। मुझे याद है कि मॉर्निंग में मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ा था, पर उसके पहले मैंने ग्रुप थियरी के बारे में कुछ बताया था। हाँ, थोड़ा सा टफ तो है, ग्रुप थियरी एक ऐसी चीज़ है ना कि पॉइंट ग्रुप कैलकुलेशन या मैट्रिक्स या उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है। पर मैंने एक बात आपको शुरू में ही कहा था कि वाटर ले लीजिए, एमोनिया ले लीजिए, BF3 ले लीजिए, प्लेटिनियम, PTCl4, इन चारों का ऑप्शन अगर आप लेंगे ना, तो आपको कहाँ पे एक्सिस का रोटेशन देखना है, कहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, कहाँ पे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ये सब चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। मॉर्निंग में जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने देखा कि जो भी चीज़ें मैं बताई जा रही थी, मुझे खुद भी एक बार कैसे मैं हमेशा उसे सॉल्व करती रहती हूँ कि ठीक है, ये क्या है, आपका x एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है, फिर ये यहाँ पे y एक्सिस है, फिर मैंने यहाँ पे रखा कि BF3 यहाँ पे है, तो फिर वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है, फिर उसके बाद उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है। वहाँ पे बहुत सारा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पर कहते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ चीज़ें जो होती है ना, याद करना, मेमोराइजेशन में भी आ जाए तो बहुत अच्छी होती है। आज हम जानने वाले हैं लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बारे में। आप जानते ही हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको पूरा पढ़ना होता है, साथ ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स से भी कुछ चीज़ें आती हैं, और मेन ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है वो एस और पी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो अगर ऐसा हो जाए कि हम एक ओवरव्यू रखें कि अच्छा लेंथेनाइट्स में ये फ़र्क होता है एक्टिनाइट्स में, तो आसानी से आप ये चीज़ कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको पूरे एलिमेंट्स बता देती हूँ, वैसे मैंने याद भी करवाया हुआ है। लेंथेनाइट्स जो होते हैं सीरियम से शुरू होकर के ल्यूटीसियम तक होते हैं, और एक्टिनाइट्स जो होता है वो आपका TH थोरियम से होकर के LF तक होता है। मैंने बहुत आसानी से ये कैसे एलिमेंट्स याद करने ये भी आपको बताया था, बहुत अच्छे से आपको याद करना हो तो NP PU अमेरिका, AM CM बैंक के कैफे में मिले, ES FM मूड किया इसलिए नो लवनेशियम, RF DB SG BH SH MT मत, और उसके बाद आपका जो हो जाता है बाकी एलिमेंट्स जो हैं आपके वो डिस्कवर्ड हुए, तो उनको कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपके जो होते हैं नेपच्यूरियम से NP से शुरू होने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों का अगर देखा जाए एक्टिनम, ACTH PAU NP PU AM CM बैंक कैफे, ES FM मूड किया, नो लवनेशियम। यहाँ पे सब चीज़ें किससे, रेडॉन से शुरू होती है, बट मेन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको 6D4S2 यही जो डी है आपका कम होते होते क्या होता है, आपका 5F पर आता है, 6D जो रहता है वो आपका शुरू होने के बाद 5 तक आता है, 6D1 1 1, फिर कहीं पे 0 है, फिर उसका 4S2 यहाँ पे कॉमन रहेगा, 7S2
सेवन एस टू कॉमन रहेगा, सिक्स डी वन जो है वो कहीं पे जीरो होगा और कहीं पर वो क्या होगा वन होगा, ये आपको यहाँ पर देखना है। सिक्स डी की बात करूँ कि कहाँ पे वो जीरो होता है, तो वो ए एम में होता है, ए एम में एस टू पे उठने का मन नहीं कर रहा है, तो ए एम में वो क्या होता है जीरो हो जाता है, फिर उसके बाद वो वन होता है और फिर उसके बाद वो ज़ीरो होता ही रहता है और फिर वो वन होता है लवरनीशियम में। ए एम में क्या हो जाता है ज़ीरो हो जाता है, एल आर में वो क्या हो जाता है वन हो जाता है। ए एम से फिर क्या होता है ना, ए एम के बाद वो सी एम में वन होता है, पर सी एम से मिलने के बाद क्या हो जाता है ज़ीरो 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 रहता है और फिर उसके बाद वो लवरनीशियम में वो सिक्स डी वन होता है। तो शायद अब आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा कि ए एम में जो रहता है वो एकदम सोया मतलब ज़ीरो रहता है, सिक्स डी ज़ीरो, सिक्स डी ज़ीरो, फिर सिक्स डी वन होता है। कब होता है जब वो सी एम से मिलता है, सी एम से मिलने पे वो वन होता है। सेवन एस टू कॉमन ही रहेगा हर जगह, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है कि वो कम होता है। और फिर उसके बाद सिक्स डी वन जो रहता है लवरनीशियम, मतलब वो अपने जैसे ही प्यार ख़त्म होता है ना, इंसान क्या होता है अपने नॉर्मल चीज़ पे आ जाता है, ठीक है। कुछ कंपैरिजन जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लैंथेनाइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, और आपको मैंने बता ही दिया कि 7s2 जो रहता है, 7s2 आपके जो एक्टिनियम का है, एक्टिनियम वो वहाँ पे 7s2 जो रहेगा वो हर जगह पे कॉमन रहेगा। और 6d0 कब बनता है जब एम की और सी एम से मिलने के बाद फिर से वो काम में आता है, 6d1 होता है फिर 7s2 होता है, फिर उसके बाद वो ज़ीरो ही रहता है। लवरनीशियम जब वो ना बोल देता है एल आर, तब वो वापस से क्या हो जाता है 103 है वो लवरनीशियम, तो वहाँ पे क्या रहता है 5f14 ये सब तो नहीं देखा जाता, पर आप चाहे तो आप देख दीजिए क्योंकि वो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 है, 8 भी नहीं है, 9 10 11 12 13 14 दो बार है, तो 7 भी आपका दो बार होगा, 14 दो बार है तो 7 भी दो बार होगा, और हाँ 8 नहीं है उसमें, 8 अगर नहीं होना चाहिए तो 8 नहीं है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 14, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि हमको कोई मतलब रहेगा ना तो वो 6d1 and 7s2 हमें इससे मतलब होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ए एम में जब वो सोता है तो वो क्या हो जाता है 7s2 रहता है पर 6d0 हो जाता है, वैसे ही हम लोग लास्ट में देखते हैं लवरनीशियम, फिर वो उसके बाद ज़ीरो ए एम पर सी एम से मिलता है तो फिर वो वापस क्या हो जाता है 6d1 और 7s2 तो रहेगा ही, फिर उसके बाद लास्ट जो होता है 14 का 5f14 और वहाँ पे 6d1 7s2 रहता है, ठीक है। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए लैंथेनाइड्स की, तो ये हमेशा ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बट एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफ केसेस वेयर दे शो 2 and 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लैंथेनाइड्स की बात हो रही है। एक्टिनाइड्स की बात की जाए तो वो हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, एक्टिनाइड्स ऑल्सो शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक 4, 5, 6, 7 तक जाता है, हायर केसेस में वो 7 तक चला जाएगा, मतलब 3 से शुरू होता है 4, 5, 6 तक रहता है और 7 भी जाता है। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 4, 5 और 6 भी है, स्टेबल कंपाउंड सच एज, और एक स्टेबल कंपाउंड को देखा जाए तो वो यूएफ है, यूएफओ और UO2, UO2 टू प्लस। अब मैं UO2 टू प्लस से याद दिलाऊँ तो आपको क्या याद आना चाहिए, ऑर्गेनोमेटालिक्स में 2+ है तो हमेशा वो क्या होगा पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन्स काउंट में माइनस हो जाता है, पर ये मजाक की बात ही ताकि आपको याद रहे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको पता होना चाहिए कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड्स में क्या होता है, एक्टिनाइड्स में क्या होता है। फिर बाइंडिंग एनर्जी की बात की जाए तो जो लैंथेनाइड्स में बाइंडिंग एनर्जी है वो 4F सीरीज़ आर हायर,
उसमें 4F सीरीज जो रहते हैं हायर रहते हैं. अगर इसमें की जाए तो यहाँ पे 5F जो सीरीज रहता है वो लो रहता है. इसमें 4 रहता है, इसमें 5 रहता है. इसमें 4 जो रहता है हाई रहता है, 5 यहाँ पे लो रहता है. शील्डिंग इफेक्ट की बात की जाए तो 4F इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर, 4F जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शील्डिंग जो होती है बहुत ज़्यादा होती है. देयरफॉर कॉन्ट्रैक्शन इन आयोनिक रेडियाई इज लेस. तो क्या लेस होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आयोनिक रेडियाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर आयोनिक रेडियाई. तो आप जानते हैं 4F इलेक्ट्रॉन्स की क्या होंगे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा 4 का अगर ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैडिक्शन जो होगा आयोनिक रेडियाई में ज़्यादा होगा. 4F में क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी आयोनिक रेडियाई जो रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है. टेंडेंसी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं ना, 18 ग्रुप के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से, जैसे ओस्मियम 7 नाइट्रोजन नाइट्रोइल ग्रुप में आ रहा है, ठीक है, मैं आपको सब रिवाइज करते भी जाती हूँ. और फिर क्या होता है, नाइट्रोइल ग्रुप, फिर CO2 कार्बोन लिगैंड्स. तो यहाँ पे टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स जो होता है इस लेस होता है, बस ये याद रखो, यहाँ पे लेस होता है, एक्टिनाइट्स में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म्स ग्रेटर कॉम्प्लेक्सेस. बेसिक कैरेक्टर जो होता है, लेंथेनाइट्स जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, LL क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा. और एक्टिनाइट्स क्या होंगे आपके, ये लेस बेसिक नेचर होता है, लेस बेसिक रहता है. लेंथेनाइट्स मतलब लेस बेसिक, और एक्टिनाइट्स मोर बेसिक इन नेचर. बेसिक कैरेक्टर मैंने बता दिया. टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सोएनायंस, तो लेंथेनाइट्स बिल्कुल नहीं मदद करते, दे डू नॉट फॉर्म्स ऑक्सीएनायंस, पर एक्टिनाइट्स जो होते दे फॉर्म ऑक्सीएनायंस, ठीक है. यहाँ पे ऑक्सोएनायंस के एग्जांपल दिया है, O2 प्लस Pu2 प्लस UO2 प्लस. यहाँ पे UO जो है 2 है, पर 2 प्लस भी है इसमें, और PuO भी है प्लस में, PuO2 प्लस. O2 हर जगह है, पर UO2 तो प्लस ही है, फिर UO2 और 2 प्लस है, और PuO2. रेडियो एक्टिविटी की बात की जाए तो एक्सेप्ट प्रोमीथियम दीज एलिमेंट्स डू नॉट रेडियो एक्टिव, बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव नहीं होते. पर यहाँ पे एक्टिनाइट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स एक्टिनाइट सीरीज आर, क्योंकि वो क्या होते हैं, दे आर द मोर बेसिक इन नेचर, तो वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं. कलर जो होता है, लेंथेनाइट्स में मोस्ट ऑफ द आयन दीज एलिमेंट्स आर कलरलेस, तो अपना मदद कौन कर सकता है लेंथेनाइट्स पर. एक्टिनाइट्स में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे U3 का रेड होता है, U4 का ग्रीन होता है, UO2 2 प्लस का येलो होता है. मतलब मुझे अब याद रखना चाहिए, मैंने ये ऊपर का पहना है तो दैट इज़ लेंथेनाइट्स, और जो मैंने नीचे पहना हुआ है दैट इज़ UO2 प्लस. उसके बाद पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की बात की जाए तो दीज एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट से याद आया, UD होता है. हाँ, हर चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि वो आपके दिमाग में, जब आप पेपर देने जाए तो एटलीस्ट ये सोच के जाए कि अगर मेरा गेट में नहीं हुआ, थोड़ा सा कम मार्क्स आ गया, मैंने कोशिश की, मेरा जनरल कोटा की वजह से थोड़ा बहुत पूरा हुआ, तो मैं इंटरव्यू के लिए तो ज़रूर जाऊँ. तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की बात की जाए तो दीज एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ईजीली एक्सप्लेन, ठीक है. लेंथेनाइट्स इसी में बड़ा मदद करता है. पर अगर एक्टिनाइट्स की बात की जाए तो दे आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, बट दे देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन इजीली. ये कुछ खास डिस्टिग्विश, जो हम लोग स्टैटिस्टिक में बात करते हैं ना, डिस्टिग्विश इनडिस्टिग्विश, तो हमने स्टैटिकल्स के डिस्टिग्विश कैरेक्टर्स की भी बात करी, तो मजाक था ये. लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, अगर F ब्लॉक एलिमेंट्स आप में दिया हुआ है, FP NBN ब्लॉक भी दिया रहता है जिसमें आपको
बोरॉन, सिलिकॉन और ज़ीनॉन के बारे में पढ़ना होता है। तो अगर ये आपकी मदद कर रहा है तो डू लर्निंग इम्प्रूव सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से पता चले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो ये आपकी मदद करेगा कि कौन से जो होते हैं लेस बेसिक होते हैं, जैसे कि कौन होता है लेस बेसिक होता है लैंथेनाइड्स, उसके कलर्स खास करके कैसे होते हैं, ये कलर वाइट कलर्स के, अगर UO22 प्लस की बात की जाए तो ये मेरा नीचे वाला है, और उनके पैरामैग्नेटिक गुण ही है पर उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है UT की बात की जाए तो कौन ज़्यादा जल्दी बता सकता है, तो हम लोग लैंथेनाइड्स के बारे में बता सकते हैं। एक्टिनाइड्स इसमें हमारी मदद नहीं करते हैं। इसके बाद कुछ यही बातें थी, दैट्स इट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। मैंने ये जो चीज़ बताई, अगर आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अटेंड कर रहे हैं इनऑर्गेनिक में तो ये आपकी मदद करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।